सो हेलो गाइस, इट्स योर फ्रेंडली नेबरहुड डीजनरेट ओटाकू बॉय एके आयुष एंड मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ प्ले न्यूज के एपिसोड नंबर 30 में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बर्जर्क मांगा रिटर्न, विंडलैंड सागा सेकंड सीजन, वन पीस फिल्म, रेड वन पीस फिल्म लाइव एक्शन, मतलब कि वन पीस से रिलेटेड आज के न्यूज वीडियो में बहुत सारी न्यूजेस होने वाली हैं। सो वीडियो पूरा देखना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। पार्ट वन, न्यू ईयर में अनाउंसमेंट्स, ट्रेलर्स, रिलीजेस एंड मोर। फर्स्ट न्यूज वन पीस की तरफ से आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली वन पीस है। वन पीस फिल्म रेड का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। अगर अभी तक तुम लोगों ने ट्रेलर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चेकआउट कर सकते हो। ट्रेलर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाता है, बताता है, बट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे इस ट्रेलर के अंदर लगा वो था इसका सॉन्ग एंड जो अपेरेंटली इस मूवी का थीम सॉन्ग भी होने वाला है। सॉन्ग का नाम है आर्डो, जिसे गाया है न्यू जेनेसिस ने एंड भाई मजा आ गया था इस सॉन्ग को सुन के। बट अगर सॉन्ग से हट के बात करी जाए तो ट्रेलर ये भी कंफर्म कर देता है कि लूफी और सैंक्स की बेटी उता दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। और अब अगर बात करी जाए वन पीस की लाइव एक्शन की तो रिसेंटली वन पीस की लाइव एक्शन से बिहाइंड द सीन्स कॉन्सेप्ट आर्ट्स एंड न्यू कास्टिंग रिवील की गई है जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने होगी। एंड चिंता मत करो, वन पीस लाइव एक्शन के ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो ला रहे हैं जो तुम लोगों को संडे या मंडे तक देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम न्यू कास्टिंग, बिहाइंड द सीन्स, न्यू कॉन्सेप्ट आर्ट्स, इन सारी चीजों को सही से कवर करेंगे। अब अगर तुम लोगों को और वन पीस की न्यूज़ सुननी है तो ऑथर रिलेटेड न्यूज़ में जाओ, वहां पे मैंने और वन पीस की न्यूज़ को कवर किया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि कॉल ऑफ द नाइट का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि प्राइमा डॉल एनिमे का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना चालू होगा 8 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि विंडलैंड सागा के सीजन सेकंड का ऑफिशियली फर्स्ट टीजर ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। टीजर ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये सेकंड सीजन एनिमेट किया जा रहा है मापा स्टूडियोज के द्वारा एंड ये सेकंड सीजन प्रीमियर होना चालू होगा जनवरी 2023 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि द एंशंट मेगस ब्राइड OAD पार्ट 3 का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर इससे पहले तुमने द एंशंट मेगस ब्राइड के बारे में नहीं सुना था तो ये एक अच्छा एनिमे है। अगर तुम लोगों को स्लाइस ऑफ लाइफ मैजिक प्लस थोड़ी बहुत मिस्ट्री टाइप का कोई एनिमे देखना है तो तुम लोग इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोग नहीं जानते हो कि OAD क्या होता है तो ये OVS की ही तरह होता है। एंड द एंशंट मेगस ब्राइड OAD पार्ट 3 रिलीज हो रहा है 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि माई मास्टर हैज नो टेल्स का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे शेड्यूल्ड है अक्टूबर 2022 के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि पॉपुलर वीडियो गेम साइबरपंक इज गेटिंग एन एनिमे अडेप्टेशन बाय नेटफ्लिक्स कॉल्ड साइबरपंक एज रनर्स। इसका एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एनिमे की एनिमेशन इंचार्ज है स्टूडियो ट्रिगर, जिन्होंने पहले डार्लिंग इन द फ्रेंड्स एक्स और वर्ल्ड ट्रिगर जैसे एनिमेस को एनिमेट किया है। एंड इसमें इनका साथ देंगे CD प्रोजेक्ट रेड जो कि ओरिजिनल डेवलपर्स हैं साइबरपंक 2077 गेम के। ये एनिमे शेड्यूल्ड है सितंबर 2022 के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि इंसोमनियाक आफ्टर स्कूल का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये एनिमे शेड्यूल्ड है 2023 के लिए। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि तेंसे केंजा नो इसेकाई लाइफ का न्यू ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना चालू हो रहा है 14 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है काकीगुरुई की स्पिन ऑफ सीरीज काकीगुरुई ट्विंस का फाइनली ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये सीरीज प्रीमियर होना चालू होगी 4 अगस्त 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा 10 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है लव लाइफ सुपरस्टार के सेकंड सीजन का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा 17 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है इंगेज किस का सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना स्टार्ट होगा 3 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज साउंड एम्फोनियम की तरफ से आ रही है। साउंड एम्फोनियम का सीजन 3 अनाउंस कर दिया गया है। इसका एक ऑफिशियल टीजर ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक ये ऑफिशियली कंफर्म तो नहीं किया गया है कि इसका सीजन 3 कब से प्रीमियर होना चालू होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली 2023 से ही प्रीमियर होना चालू होगा।
नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि मेड इन एबिस के सेकंड सीजन का थर्ड ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर का लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे प्रीमियर होना चालू हो रहा है 6 जुलाई 2022 से। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कि नेटफ्लिक्स हिट लाइव एक्शन सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड विच इज बेस्ड ऑन मांगा सीरीज ऑफ द सेम नेम विल रिलीज द सेकेंड सीजन प्रिटी सून। अभी तक कुछ ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट रूमर्स आ रहे हैं कि एलिस इन बॉर्डरलैंड का सेकेंड सीजन जल्दी ही रिलीज होने वाला है। अगर तुम लोगों ने इससे पहले एलिस इन बॉर्डरलैंड का नाम नहीं सुना था तो बस इतना जान लो कि ये उन कुछ गिनी चुनी एनिमे की लाइव एक्शन में से एक है जो एक्चुअल में अच्छी होती हैं। नेक्स्ट न्यूज ब्लीच की तरफ से आ रही है। जैसे कि तुम लोगों को मालूम होगा, अक्टूबर 2022 में ब्लीच का न्यू सीजन आने वाला है जो मांगा की 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क को अडेप्ट करेगा। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज आ रही है कि जो ब्लीच का न्यू सीजन आने वाला है उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। पार्ट टू ऑथर रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ बर्ज़र्क की तरफ से आ रही है। जैसे तुम लोगों को मालूम होगा, केंटारो मियोरा सर की डेथ के बाद बर्ज़र्क मांगा स्टॉप हो गई थी एंड पूरी एनिमे कम्युनिटी को लगा था कि अब ये आगे कंटिन्यू नहीं होगी। पर अब फाइनली गुड न्यूज़ आ गई है कि बर्ज़र्क मांगा कंटिन्यू हो रही है बाई केंटारो मियोरास असिस्टेंट काओजी मोरी। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि बर्ज़र्क मांगा कंटिन्यू हो रही है। इस न्यूज़ को सेलिब्रेट करते हुए टोक्यो होल के ऑथर ने बर्ज़र्क का एक इलस्ट्रेशन बनाया है जो अभी तुम लोगों के स्क्रीन के सामने। नेक्स्ट न्यूज़ हंटर हंटर की तरफ से आ रही है। जैसे तुम लोगों को मालूम होगा, मैंने अपने प्रीवियस के न्यूज़ वीडियो में बताया था कि हंटर एक्स हंटर की मांगा कंटिन्यू हो रही है। तो उसी की तरफ से न्यूज़ आ रही है कि जो न्यू आर्क होने वाली है हंटर हंटर की, वो अपना फोकस गॉन और किलुआ से हटा के कुरापिका के ऊपर शिफ्ट कर देगी, जो एक्चुअल में मुझे बहुत ज़्यादा सही बात लगी क्योंकि मैं पर्सनली कुरापिका के और एडवेंचर्स, उसकी बैक स्टोरी देखना चाहता था। क्योंकि जब से कुरापिका गॉन और किलुआ से अलग हुआ था, इन लोगों ने उसे ज़्यादा कुछ फुटेज नहीं दिया था। उसके सीन्स हमें दिखाए गए थे पर वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, एंड इसी वजह से मैं कुरापिका की इस न्यू आर्क के लिए एक्साइटेड हूँ। एंड उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो गॉन और किलुआ के ऊपर से पूरा ही फोकस हटा देंगे, गॉन और किलुआ को भी थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे पर कुरापिका मेन रहेगा। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग क्या सोचते हो, किसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि इचिरो ओडा सर ने अनाउंस किया है कि वो एक मंथ का ब्रेक लेंगे वन पीस की न्यू आर्क, जो फाइनल आर्क होने वाली है, उसको प्लान करने के लिए। ये ब्रेक स्टार्ट होगा 27 जून से एंड ख़त्म होगा 25 जुलाई को। एंड अब तुम लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि वन पीस बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन पीस नहीं ख़त्म होने वाला जल्दी, तो एटलीस्ट नहीं ख़त्म होने वाला। वन पीस की अभी योंको सागा चल रही है जिसमें अभी हमें सिर्फ काइडो और बिग मॉम दिखाए गए हैं, अभी सैंक्स और ब्लैक बियर्ड बाकी हैं। पोस्ट वानों के बाद सैंक्स की आर्क प्रॉबेबली शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमें दिखाया जाएगा ब्लैक बियर्ड, उसके बाद जाके फाइनल सागा शुरू होगी। तो अभी मेरे हिसाब से 6-7 साल बाकी हैं वन पीस की मांगा को खत्म होने के लिए, क्योंकि ये लोग फाइनल सागा की प्लानिंग कर रहे हैं एंड भाई सागा बहुत बड़ी होती है। तो टेंशन मत लो, दुनिया के एंड से पहले तो वन पीस खत्म नहीं होने वाला। एंड जब वन पीस की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली इचिरो ओडा ने काइडो का ओरिजिनल आर्ट, फर्स्ट ओरिजिनल लुक शेयर किया। एंड तुम लोग कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये ओरिजिनल लुक वाला काइडो ज्यादा पसंद आया या फिर जो अभी करंट वाला काइडो है वो। पार्ट थर्ड अदर न्यूज। तो अगर तुम लोगों को याद होगा तो मैंने अपने प्रीवियस के प्ले न्यूज के वीडियो में बताया था कि एक वीट्यूबर है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो चुकी है, जहां पे उसे एज अ स्लेव बना के रखा गया था। बट अब न्यूज आ रही है कि वो एक्चुअल में झूठ बोल रही थी मोर व्यूज पाने के लिए, एंड इसी वजह से उसका अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि ये मुर्गे की टाई अपनी एनिमेशन की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, पॉपुलर हो रही है। बट मैं तुम लोगों को यहाँ पे एज अ ह्यूमन बीइंग एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मुर्गे की टाई को गूगल पे मत सर्च करना, क्योंकि डिसगस्टिंग है। ठीक है, डिसगस्टिंग है। अब मुझसे कमेंट सेक्शन मत पूछना कि मुझे कैसे मालूम चला ये डिसगस्टिंग है। बस मैं तुम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग एडवाइस देना चाहूंगा कि प्लीज इस मुर्गे की टाई को मत रीड करना। तो बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर देना, बगल वाला घंटा भी दबा देना ताकि आप आगे आने वाले हमारे वीडियो से अपडेटेड हो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस वीडियो में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज कौन सी लगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी न्यूज यूजफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।